अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, ये आज का मेरा फिफ्थ वीलॉग है और इस वीलॉग में हम बड़ा ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस प्रिंसिपल का नाम है प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। ये मैंने स्टीफन कोवी की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है और राइटर कहता है कि अगर आपने इसको समझना है, इसको एम्ब्रेस करना है, तो इसको आप लोगों के साथ शेयर करें। जब आप किसी को पढ़ाएंगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आपकी मुआशी हालत और मोस्टली आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हल हो जाएंगी, सारी की सारी। और मुझे पढ़ के फ़ील भी हुआ कि वाकई ऐसे ही है कि अगर मैं इसके ऊपर अमल पैरा होता हूँ तो डेफ़िनेटली इससे बहुत सारी चीज़ें मेरी ठीक हो जाएंगी। तो इसके ऊपर आप भी अमल करें और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि एक किसान है, उसका बाग है, वहाँ पे बाग में दरख्त पे एक कबूतर आके अंडे देता है, वही उसका ज़रिया मौश वो अंडे ही हैं, वो उन अंडों से खाना छाना खाता है, बाकी अंडे जाके बाज़ार में बेच देता है, तो उसे जो भी आमदन आती है वो घर के खर्चे अखराजात सारे उसी से चलाता है। एक दिन क्या होता है कि वो जाता है उसी बाग में, वहाँ पे देखता है कबूतर ने अंडे सोने के दिए हुए हैं, बड़ा एक्साइटेड होता है, आता है घर, वो सारे अंडे बाज़ार में जाके बेचता है, रातों रात अमीर हो जाता है। कुछ अरसा गुजरता है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते, गाड़ियाँ शाड़ियाँ आ गई, नौकर चाकर, बंगला, सब चीज़ें ज़बरदस्त हो गई हैं, लेकिन मसला ये हुआ कि अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, आमदन का ज़रिया तो उतना ही है, सोने के अंडे ही हैं, उससे गुजारा नहीं हो रहा। गुस्से में आता है, लालच उसके सर पे चढ़ जाती है, उसको गुस्सा होता है, बंद करता है, दबकता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंडे उतने ही रहते हैं। इस हद तक जाता है कि उस कबूतर पे जुल्म करते करते उस कबूतर को मार देता है। जब कबूतर मर जाता है तो अपनी आमदन उसकी, जो उसका ज़रिया मुआश था, वो तो ख़त्म हो गया और जो अखराजात थे वो भी अब कंट्रोल से आपे से बाहर, तो वापस बिल्कुल उसकी ज़िंदगी कोलैप्स होती है, फिर जिस जगह से उसने स्टार्ट लिया होता है उसी जगह पे पहुंच जाता है। तो राइटर का कहने का मकसद है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करना है तो आपने अपनी अथॉरिटेटिव पोजीशन यूज़ नहीं करनी, यानी हमने पावर बोरो नहीं करनी जिससे हमारी वीकनेस क्रिएट होती है। हमने अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को, यानी अपने विजडम को, अपने इखलाक को यूज़ करके लोगों को इंस्पायर करना है या अपने आप को ठीक करना है जिससे हमारी प्रोडक्शन ठीक हो जाएगी, यानी आउटपुट ठीक हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल राइटर कहता है कि मेरी बेटी है, वो रूम गंदा कर देती है और मैं चाहता हूँ वो रूम साफ़ करे, तो क्योंकि मैं बड़ा हूँ एज में, मेरे पास पावर है, घर का बड़ा है, बच्ची 8 साल की है, 9 साल की है, मुझसे डरती है, तो एक तो चीज़ है कि मैं अपनी अथॉरिटेटिव पावर यूज़ करूं, उस पर गुस्सा हूं, तशद्दुद करूं, जिससे बेटी शायद कुछ अरसा कमरा साफ़ किया करे डर के, लेकिन जैसे ही आपका साया उसके सर से उठेगा वो फिर जाकर कमरा साफ़ नहीं करेगी और शायद उससे नफ़रत भी करना शुरू कर दे। तो अगर आप चाहते हैं कि, वो कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी कमरा साफ़ करे तो आपने उसे कमरा साफ़ करने के फ़वाद समझाने हैं, उसके दिमाग में डाल देने हैं कि इसके फ़वाद छोटे डिसिप्लिन से लेके बड़े डिसिप्लिन तक, सब डिसिप्लिन कमरे की सफाई से शुरू होते हैं। इससे ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है, माशी तौर पे आप अच्छे हो जाते हैं, इखलाक अच्छा हो जाता है, रहन सहन ठीक हो जाता है, होमवर्क टाइम पे होता है, पर्चे अच्छे पास करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पोजीशन ले लेते हैं, जॉब अच्छी जगह पर लगेगी। मतलब अगर आप बच्ची को ये कह देंगे कि आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे सिर्फ अगर आप कमरा साफ़ करें, तो मेरे ख्याल से ये उसकी आदत बन जाएगी और वो आने वाली बाकी की सारी ज़िंदगी वो कमरा मेक श्योर करेगी कि साफ़ करे। नंबर 2 मिसाल जो इसने स्टीफन कोवी ने दी है वो है सिनेमा की। कहता है मैं थोड़ा डाउन था, बेटी मुझे आगे कहती है बाबा बाबा चलें सिनेमा चलते हैं, मैंने कहा चलो चलते हैं, वो कहते नहीं बाबा आप रहने दें, लास्ट टाइम भी आप गए थे, आप जाके मूवी के दौरान सो गए थे, तो फिर मैं अकेली चली जाती हूँ। वो कहता है नहीं चलो, तो ठीक है तुम अकेली चली जाओ। बेटी उसे कहती है नहीं बाबा आपको एक बात बताऊँ, उसमें वो एक एक्टर है, सुपरमैन टाइप है, उसके सारे एक्शंस ना वैसे ही होते हैं जैसी आप बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप उस करेक्टर को देखेंगे ना आपको लगेगा कि थोड़ा वो आपसे मिलता जुलता है, उसकी पर्सनैलिटी आप जैसी है। कहता सीरियसली वाकई वो करेक्टर ऐसा? कहता चलो शाबाश बैग पैक करो चलते हैं। जाता है जाके कहता मैंने पूरी मूवी आंखें खोल के इंटरेस्ट ले के फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बेटी के साथ बैठ के देखी और बड़ा एंजॉय किया। तो हुआ क्या
कि जब मैंने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे फोकस नहीं किया, यानी सिर्फ़ और सिर्फ मूवी देखने पे फोकस किया, यानी कि प्रोडक्शन पे, तो मुझे मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं सो गया था। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी ने मेरी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एनहांस की, यानी मेरे इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया, तो फौरन मेरा दिल किया कि चलो जाके मूवी देखते हैं। और मैं पूरा मूवी, मेरी आउटपुट बड़ी ज़बरदस्त रही और वो मैंने पूरी मूवी बड़े ध्यान से दिल लगा के देखी। तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जैसे ही मेरी एनहांस हुई, मेरी आउटपुट इंक्रीज़ होगी और वो मैंने पूरा इवेंट 2 घंटे का 3 घंटे का इंजॉय किया। तीसरी एग्जांपल राइटर ने नहीं दी, ये मैं खुद दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, जैसे ये वाली प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। इस प्रेजेंटेशन को बनाने का एक तरीका है कि आप सिर्फ आउटपुट पर फोकस करें और दिमाग ख़राब है, गुस्सा आया हुआ है और दिल नहीं कर रहा प्रेजेंटेशन बनाने का, और आप फिर भी बनाएं और बैठ जाकर डिस्प्ले पे कर दें, तो मेरे ख्याल से 3-4 दफ़ा तो आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ़ योर लाइफ, बाकी की ज़िंदगी आपका प्रेजेंटेशन बनाने का दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक, अपने थिंकिंग प्रोसेस के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, जितना आपके हाथ में हुनर है उसके मुताबिक टू द पॉइंट एक आउटपुट डिलीवर करेंगे, तो आपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को मलहूज़े खातर रखते हुए प्रोडक्शन की, तो नेक्स्ट टाइम भी आप उसी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की वजह से एक प्रोडक्शन क्रिएट करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस आपकी एज अ हैबिट डेवलप होना शुरू होगी। तो नेक्स्ट टाइम भी आपके स्किल्स भी थोड़े थोड़े पॉलिश होना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, और जब नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन बनाने का दिल करेगा तो बर्डन सम नहीं लगेगा, बल्कि एक थोड़ा सा स्पार्क और एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपके अंदर पैदा होगी, जिससे आप कहेंगे कि चलो यार जाके बैठ के प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये सब चीज़ों के ऊपर, आपने ट्रैवलिंग पे जाना है, आपने ऑफिस में काम करना है, आपने घर वालों को टाइम देना है, आपने मूवी, मतलब कोई भी काम आपने करना है, आप प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को ठीक कर लें तो आपकी प्रोडक्शन भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद इसी बुक के अंदर उसने 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं। उसने कहा आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी हैबिट बनती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह रनिंग पे जाते हैं, या 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, या रात को टाइम पे सो जाते हैं, तो ये सारी हैबिट्स 3 सर्कल्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक नॉलेज के ऊपर, कि कितना आपको शऊर है या नॉलेज है आपका, या इल्म है कि इसके कितने फ़वाद हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक आपके स्किल के ऊपर कि क्या ये काम आपको करना आता है या नहीं करना आता, किस हद तक करना आता है, कैसे कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपकी डिज़ायर के ऊपर, ख्वाहिश के ऊपर, क्या दिल भी करता करने का या नहीं दिल करता। अगर तीनों चीज़ें लाइन में हैं, लाइक नॉलेज भी है, पता है कि इसके फ़वाद क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और स्किल भी है, बनाने का तरीका भी आता है, और डिज़ायर भी है, तो जब तीनों चीज़ें एक ही जगह पे ओवरलैप करेंगी तो आपकी वो चीज़ हैबिट बन जाएगी और फिर वो आपकी ज़िंदगी का एक बाकायदा हिस्सा रहेगी, फिर कोई चीज़ आपको उस चीज़ से या उस असूल से हटा नहीं सकेगी। तो 3 साइकिल प्रिंसिपल है ये, जब ये तीनों ओवरलैप होते हैं तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस जगह के ऊपर आपकी वैल्यूज़, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी हैबिट्स इस जगह पर रिज़ाइड करती हैं, इस जगह पर होती हैं। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, आप कोई कोर्स उठा सकते हैं, आप एजुकेशन कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, बाद में आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक्शन वाली सारी चीज़ें आपके स्किल को पॉलिश करेंगी। और डिज़ायर को इंक्रीज़ करने के लिए आप रिलैक्स करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, वेट करेंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, यानी आप वो सारी चीज़ें जिनका करने का दिल नहीं कर रहा वो नहीं करेंगे और सिर्फ इंजॉय करेंगे 2-3 दिन, तो ऑटोमेटिकली वो दिन में डिज़ायर भी आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो इस सारे को इम्प्रूव करने के लिए, यानी इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आप फोकस करें कि आपकी हर एक टास्क एक बर्गर है। उस बर्गर के अंदर आपने 3 चीज़ें देखनी हैं, टाइम, लोकेशन और एक्शन। तो टाइम क्या होगा जब आपने वो टास्क लेना है या आपने वो काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई पेपर लिखना है या आपने असाइनमेंट करनी है,
तो कोशिश करें कि टाइम आपका वो वाला चूज़ करें जब आपने कंप्लीट रेस्ट ले ली है, आफ्टर अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, आफ्टर अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट, जब अच्छा रेस्ट कर लिया है, अच्छा वेट कर लिया है, ताकि आपकी डिज़ायर एनहांस हो गई है। उसके बाद एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढें, जिसको मैं कहता हूँ फाइंड अ हैप्पी प्लेस। किसी कैफ़े चले जाएँ, लाइब्रेरी चले जाएँ, किसी रिश्तेदार के पास चले जाएँ, किसी आइसोलेशन में चले जाएँ, यानी कोई ऐसी जगह जो आपको एक्साइट करती है, आप उस जगह पर जाकर बैठ के वो काम करें और एंड पे आप उसके ऊपर एक्शन लें। और जब आप एक्शन लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी की मैं आपको बात बताता हूँ, इससे पहले मैं 2-3 अटैम्प्ट में मैं मूवी बना रहा था, लेकिन मुझसे मूवी ठीक नहीं बन रही थी। तो मैंने कहा कि अगर मैंने अपनी मूवी ठीक बनानी है, यानी ये वाला वीलॉग ठीक करना है, तो इसका पर्पज़ क्या होगा कि मैंने कोई चीज़ चेंज करनी है। यानी जो आप देख रहे हैं, तो जब आप इसको देखें तो आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ चेंज हो जाए, और मेरी अगर इंटेंसिटी ये होगी, शिद्दत ये होगी कि वो चीज़ चेंज होनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली मेरा फोकस इस चीज़ के ऊपर होगा कि मैं अपना फुल पोटेंशियल, अपनी फुल इन्वेस्टमेंट, फुल एनर्जी इस वीडियो के ऊपर रखूँ, जिससे कोई ना कोई आपकी लाइफ का हिस्सा इम्पैक्ट हो, कोई ना कोई चीज़ चेंज हो। तो जब भी आपने कोई चीज़ बनानी है, कोई असाइनमेंट बनानी है, तो कोशिश करें कि पढ़ने वाले को कोई चीज़ चेंज हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने असाइनमेंट बनाई तो टीचर तो पढ़ रहा है, तो जब टीचर वो असाइनमेंट पढ़े तो कोई चीज़ उसकी चेंज हो जाए। अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है तो बॉस तो देख रहा है, तो जब बॉस आपकी प्रेजेंटेशन देखे तो कोई चीज़ चेंज हो, कोई उस चीज़ आगे पीछे हिले, यानी वो इस तरह का एक इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो अगर हम अपनी टास्क को प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बैलेंस रखते हुए हल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी लाइफ के बहुत सारे इश्यूज हल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फ़ौरन हल हो जाएंगे। तो दिस इज़ इट भाइयों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहनों, रिश्तेदार, एवरीबॉडी, मुझे उम्मीद है आपको ये वाला वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लाजमी मुझे फ़ीडबैक दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।